वेलकम टू टूरिज्म नोट दिस इज आवर फाइनल पार्ट फाइनली हाउ टू मेक अ टूर पैकेज इसमें हम चार चीजें डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ब्रोशर ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन एंड टूर मैनुअल काफी शॉर्ट में बताऊंगा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देखो आप एक बिजनेस हो यू आर अ टूर ऑपरेटर एंड यू आर सेलिंग योर स्टाफ टू अ बिजनेस विच इज अ ट्रेवल एजेंसी तो आप यहां पे बी टू बी सेल कर रहे हो ठीक है तो उसके लिए आपको काफी स्किल्ड सेल्स पर्सन की जरूरत होगी जो बी टू बी सेल्स कर पाए उसके साथ ऑफिस का जो बाकी स्टाफ रहेगा और जो फॉरेक्स देखेंगे जो वीजा देखेंगे जो पास पासपोर्ट नहीं वीजा देखेंगे फॉरेक्स देखेंगे उनके लिए अलग से स्टाफ आपको रखना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट आ गया ब्रोशर तो ब्रोशर एक आप बनाओगे जो अपने ट्रैवल एजेंट को दोगे आप उसमें Uh, चीज़ें रहेंगी जे नेम ऑफ द कंपनी आप की जो कंपनी है उसका नाम रहेगा ट्रांसपोर्टेशन मोड्स रहेंगे डिटेल्स ऑफ द डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग द आइटिनरी एंड द ट्रैवल टाइम उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेस्टिनेशन टाइप ऑफ एकोमडेशन यू आर प्रोवाइडिंग एंड मील्स अगर आप प्रोवाइड करा रहे हो सर्विसेज ऑफ अ ग्राउंड ऑपरेटर क्योंकि आपको जाके जैसे कि आप लोगों को मलेशिया भेज रहे हो तो आप खुद चल के मलेशिया नहीं जाओगे टूर कराने ठीक है तो आपको वहाँ पे ग्राउंड ऑपरेटर ढूँढने पड़ेंगे मतलब जो आपके टूर को मलेशिया में एग्जीक्यूट कर पाए ये हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन में उसके बाद प्राइस रेंज देखो जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री में प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट करती है चाहे होटल्स की प्राइस हो एयरलाइंस की प्राइस हो या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज की जो प्राइसेस हो वो काफी करते हैं तो आपको एक रेंज बनाना पड़ेगा ठीक है उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जैसे कि आप, आप छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आप ब्रेकफास्ट ऑफर कर रहे हो और लॉन्च लंच डिनर आप ऑफर नहीं कर रहे हो तो लंच डिनर जो है वो टूरिस्ट को एक्स्ट्रा पे करने हैं डिटेल ऑफ़ द स्पेशल अरेंजमेंट्स स्पेशल अरेंजमेंट्स का मतलब यहाँ पे हो गया अगर आपका कोई टूरिस्ट है वो चाहता कि अपने दोस्तों के साथ जा रहा है तो उसको कैम्पैयर करना है वहाँ पे ठीक है ओ एक्स्ट्रा चार्जेस हो गए और स्पेशल अरेंजमेंट्स हो गए वो आप कर सकते हो किसी का बर्थडे है वो मनाना चाहता है तो स्पेशल अरेंजमेंट हो गया आ, उसके बाद आपको इंक्लूड करना है और क्या कैंसलेशन टर्म्स अगर पैकेज कैंसिल होता है तो कितना आप वापस करोगे और कितना अपने पास रखोगे देन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे आपको करने पड़ेंगे नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ एफिशिएंटली यू ऑपरेट्स अ टूअर ठीक है हर चीज का जो सक्सेस होता है वो डिपेंड करता है आप, आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हो ये मन में चलने से सोचने से कुछ नहीं होगा आपको ग्राउंड पे उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए तो ग्राउंड के ऊपर आपको काफी अच्छे बंदे चाहिए होंगे जो ग्राउंड में आपके टूअर को एग्जीक्यूट करा लें तो उनको बोलते हैं ग्राउंड ऑपरेटर ठीक है और पूरा पूरा जो ऑपरेशन है टूर का ऑपरेशन देखने के लिए आपको अच्छे टूर मैनेजर्स चाहिए टूर गाइड्स चाहिए सो ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टूर ऑपरेटिंग बिजनेस में तो यहां पे आप क्या करते हो जब हम किसी को पैकेज बेचते हैं तो उसको प्रॉमिस करते हैं कि तुझे ये दिखाएंगे यहां ले जाएंगे ये सारा होगा उसको एक सपना दिखाते हैं उस प्रॉमिस को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास बंदे होना चाहिए आपके पास एफिशिएंट एफिशिएंसी होनी चाहिए फिर जाके आपका बिजनेस चलेगा सो ग्राउंड ऑपरेटर एक्चुअली क्या होता है मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा इसके बारे में आ, जैसे कि आप टूर पैकेज बना रहे हो एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेते हैं मलेशिया का बना रहे हो और मलेशिया में आप खुद जाके सारे अरेंजमेंट नहीं करोगे मलेशिया में आप सिर्फ होटल्स वगैरह जो भी है सारे बुक करोगे आप और वहाँ पे आप बंदे ढूंढोगे लोकल्स जो हैं जो आपके मुताबिक वहाँ पे टूअर को ऑपरेटर मतलब एग्जीक्यूट कर करा लें ठीक है कंपनियाँ होती हैं छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड ऑपरेटर उनका काम यही होता है कि ऑन बिहाफ ऑफ द टूर ऑपरेटर और ग्राउंड में टूअर को ऑपरेट कराएं मलेशिया की अलग से कंपनी होगी इंडिया की भी कंपनियाँ हैं ठीक है नेक्स्ट होता है कि टूर मैनुअल टूअर मैनुअल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सारे प्रोसीजर जैसे कि हम बाकी कॉरपोरेट में इसको बोलते हैं एस बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तो वो आपके टूअर मैनुअल में होना चाहिए कि डे टू डे बेसिस पे आपका ऑपरेशन कैसे चलेगा एग्जीक्यूशन कैसे चलेगा वो बिल्कुल रिटर्न होना चाहिए आपके पास उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा हर एक टूर का रिटर्न मैनुअल आपके पास होना चाहिए ठीक है इमरजेंसी सिचुएशन आए तो क्या करना है रिटर्न में होना चाहिए बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजियर्स आपके टूर मैनुअल में होने ही चाहिए उसके बिना आप टूर ऑपरेटिंग का बिजनेस नहीं चला सकते हैं. तो ये था हाउ टू मेक ए टूअर पैकेज मुझे लगता है कि आपको वैल्यू मिला होगा कुछ मैंने ऐसा बताया होगा जो आप पहले जानते नहीं होंगे अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए इसको शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कर दीजिए थैंक यू सो मच